हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू कुसुम्स किचन। मैं हूँ वंदना और आज मैं बना रही हूँ कंप्लीट वन पॉट मील और ये है वेज दम बिरयानी। तो हम इसे बनाएंगे प्रेशर कुकर में। बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही है, बहुत डिलीशियस लग रही है। राइस आप देख लें। वेज बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम्स बासमती राइस यानी कि बासमती चावल ले लिया है और अब हम इसे पानी डाल करके अच्छे से 2-3 बार वॉश कर लेंगे जिससे कि हमारा जो राइस है वो जब कुक होगा तो बिल्कुल स्टिकी नहीं होगा। यह हमें हटा देना है और इसमें मैंने 1/2 कप पानी डाल दिया है और 20 मिनट के लिए हम एज इट इज इसे छोड़ देंगे। यहाँ हम बिरयानी बना रहे हैं प्रेशर कुकर के अंदर, तो हमने यहाँ पर प्रेशर कुकर में ले लिया है 4 स्पून कुकिंग ऑयल, कोई भी कुकिंग ऑयल आप ले लें। यहाँ एक बड़े प्याज को मैंने लच्छे में लंबा लंबा कट कर लिया है और इसे हम बनाएंगे ब्राउन अनियन यानी कि जो गोल्डन कलर का प्याज होता है बिरयानी में वो हम बना रहे हैं सबसे पहले। ये तो इसे हम इस तरह से चलाएंगे और हाई फ्लेम पर ये प्रोसेस करना है हमें। यहाँ पर ये प्रोसेस जल्दी हो जाए इसके लिए मैंने शुगर ऐड किया है। अगर आप नहीं खाना पसंद करते हैं शुगर तो बिल्कुल स्किप कर दें। आप देख सकते हैं यहाँ पर अनियन थोड़ी देर में ट्रांसपेरेंट और उसके बाद हल्का हल्का सा कुक होने लगा है। आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट गोल्डन कलर में आ गया है। अब मैं इसे बाहर निकाल रही हूँ और एक्सेस ऑयल बाहर हो जाए इसके लिए आप इसे पेपर नेपकिन पर निकाल लें। तो जो सेम ऑयल है ना बचा हुआ, इसी के अंदर हमें दूसरी चीज़ें भी प्रोसेस करनी है। आप देख सकते हैं जो क्रिस्पी अनियन है ये बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। ये बिरयानी में बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी सारी ग्रेवीज़ में और बहुत सारी कुकिंग चीज़ों में भी ये जाता है। यहाँ मेरे पास 1/2 कप काजू है, 1 बड़ा आलू है पोटैटो जिसे मैंने कट कर लिया है बड़े बड़े पीसेस में और जो काजू है इसे हमें करना है यहाँ पर फ्राई जब तक कि इसमें कलर गोल्डन नहीं आ जाता। ये भी बिरयानी में बहुत ही अच्छा लगता है। वेजिटेबल्स आपके पास है ना वो आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने 1 आलू डाला है बड़े साइज़ का, इसे हम फ्राई कर रहे हैं। ये है मेरे पास 1 कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी के फ्लोरेस जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब देख सकते हैं इसमें काफ़ी अच्छे से कलर आ चुका है गोल्डन। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर जो ऑयल बचा हुआ है उसी में डाल दिया है थोड़ा सा हींग। फ्लेम को कर दिया मैंने इस वक्त लो टू मीडियम। 2 बड़ी इलायची डाली है, 2 हरी इलायची डाल दी है, 1 डाला है हमने इसमें तेजपान, मेस यानी कि जावित्री डाला है, दालचीनी का 1 टुकड़ा हमें डालना है, 4-5 मैंने लौंग डाल दिए हैं, 4-5 हम इसमें ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च डालेंगे और यहाँ है मेरे पास कूटा हुआ लहसुन जिसे मैंने 1 चम्मच इसमें डाल दिया है। हमने जीरा डालना भूल गए थे, जीरा हमें डालना है इसमें 1 चम्मच है। इसके फ्लेवर जो हैं अभी इस वक्त काफ़ी अच्छा आ जाते हैं गर्म ऑयल में। 1 चम्मच मैंने कटी हुई हरी मिर्ची डाल दी है, चिली को आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही एडजस्ट करना है। हम अच्छे से इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे, सारे स्पाइसेस का फ्लेवर जो ऑयल में अच्छे से आ जाएगा। ये है मेरे पास 1 स्पून अदरक का पेस्ट यानी कि जिंजर पेस्ट, वो भी हमने इसमें डाल दिया है। धनिया पाउडर डाला है मैंने यहाँ पर 1/2 स्पून, रेड चिली पाउडर यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1/2 स्पून, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। यहाँ है मेरे पास 1 कटा हुआ गाजर और जो हमारे आलू और गोभी को हमने फ्राई किया था वो सारी वेजिटेबल्स हमने इसमें इस वक्त डाल देनी है। अच्छे से चला लें। जो राइस था वो 20 मिनट से ज़्यादा हो चुका है, जो पानी था इसके अंदर वो आप इसमें से हटा दें और राइस को इसके अंदर हम डाल देंगे और इस राइस को हमें अच्छे से इसके ऊपर फैला देना, एक लेयर की तरह से लगा देना है। ऊपर से हम इसमें डालेंगे धनिया पत्ता, फ्रेश धनिया है करियंडर लीव्स, इसे चॉप करके डालना है। साथ में हम यहाँ पर मिंट यानी कि पुदीना भी चॉप करके डालेंगे। दोनों चीज़ें इसमें बहुत ही अच्छे से फ्लेवर लेके आती हैं। जो हमने फ्राई किए हुए काजू थे वो इसके ऊपर डाल देना है, हमने कुछ काजू बचा के रखा हुआ है ताकि हम बाद में इसे सर्व करते हुए डाल दें। और ऊपर से हमने फिर से राइस जो बचा हुआ था वो डाल दिया है। गरम मसाला मैंने यहाँ पर 1/2 स्पून ऐड किया है, अगर आपके पास बिरयानी मसाला है तो वो डालें गरम मसाले की जगह। यहाँ मैं केवड़ा वाटर ऐड कर रही हूँ 2 स्पून, अगर केवड़ा वाटर नहीं है आपके पास आप इसमें रोज़ वाटर यानी कि गुलाब जल डालें 2 चम्मच
बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे। और यहाँ हम ऐड कर रहे हैं 2 कप पानी। फ्लेम को इस वक्त मैंने लो टू मीडियम रखा हुआ है और अब हम इसे बॉईल करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर, जब तक कि इसमें से पानी जो है वो सॉक नहीं हो जाता, पानी का जो लेवल है वो कम नहीं हो जाता। नमक मैंने डाल दिया है यहाँ पर 2.5 स्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और ये है हमारी फाइनल बिरयानी का लुक, जो दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है, आँखों को बहुत ही अच्छा लग रहा है। टेस्टी तो इतना है कि आप खाने के बाद बताएंगे कि कितना ज़बरदस्त ये घर पे बनाई है हमने। प्रेशर कुकर में बनाई तो टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा है। दम बिरयानी को बनाने में आपको कम से कम 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, बट ये बिरयानी हमने आधे घंटे में घर पर बना करके रेडी कर ली है। बिल्कुल खिला खिला राइस इस बिरयानी का है। यहाँ आप देख सकते हैं जो पानी है उसका लेवल कम होता जा रहा है। इस कंडीशन में हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 3 चम्मच फ्रेश दही, यानी कि फ्रेश योगर्ट। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और थोड़ी देर कुक करेंगे ताकि जो पानी है वो इसमें से कम हो जाए, हमें ज़्यादा पानी इसके अंदर नहीं चाहिए। अब हमें इसमें ऐड कर देना है जो कलरफुल मैंने कहा था बिरयानी, तो ये बिल्कुल भी सिंथेटिक कलर्स नहीं है, ये घर पे बनाए हुए कलर्स हैं। ये सैफरन के साथ में, यानी केसर के साथ में मैंने कलर बनाया है येलो कलर, और साथ ही में मैंने यहाँ पर रेड कलर जो चुकंदर से यानी कि बीट रूट से बनाया है। अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ में इसका वीडियो शेयर कर दूँगी, इसका स्पेशली एक वीडियो बना दूँगी आपके लिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे। बहुत अच्छे कलर्स हैं, इन्हें आप बना करके कम से कम 1 से 2 महीने तक फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं, बहुत फ्लेवरफुल है। यहाँ पर हमारी जो कुकर में 1 सीटी लग चुका था और 20 मिनट के बाद कुकर का ढक्कन भी खुल चुका है। मैं आपको बिरयानी दिखा रही हूँ, जब ये पक रही थी काफ़ी अच्छी इसकी खुशबू आ रही थी और अभी दिखने में ये बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही है, बहुत डिलीशियस लग रही है। राइस आप देख लें, बिल्कुल परफेक्ट एक एक खिला हुआ राइस बना है। चलिए तो अब हम इसे फटाफट से सर्व कर लेते हैं। तो सारे जो काजू बचा करके रखे हुए थे ना, फ्राइड काजू, वो हम इसमें ऊपर से थोड़ा सा काजू डालेंगे। और जो प्याज हमने फ्राई किया था वो तो आपको याद ही होगा, प्याज हमने ऊपर से डाल दिया है इसके ऊपर, जो बहुत ही अच्छा टेस्ट लेकर के आता है। ये रही हमारी कंप्लीट बिरयानी जो हमने सर्व कर ली है। इस तरह से आप भी बनाएं, एंजॉय करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मेरा फेसबुक पेज कुसुम्स किचन को फॉलो कर लीजिए, बहुत सारी रेसिपीज़ वहाँ भी आपको मिल जाएगी। और कुसुम किचन को यूट्यूब पर आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।